दैट इज फोर्थ काइनेमेटिक टर्म जो है वेलोसिटी। और लाइक अभी हमने बात की कि स्पीड और वेलोसिटी बहुत मिलते जुलते हैं, तो इसी में हम यहां पे भी देखेंगे। मैं इसी को चेंज करके वेलोसिटी कर देता हूं और हम देखते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में कहां कहां हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। अच्छा, स्पीड के बारे में हमने बात की कि स्पीड हमें ये बताती है कि एक बॉडी एक सेकंड में कितना फासला कवर करती है। ज्यादा फासला कवर करेगी तो इसका मतलब यह है कि वो बॉडी फास्ट मूव कर रही है। एक सेकंड में कम फासला कवर करेगी तो इसका मतलब है कि वो स्लो मूव कर रही है। तो स्पीड एक्चुअली इट रेफर्स टू हाउ फास्ट और स्लो अ बॉडी इज मूविंग। तो It refers to how fast or slow a body is moving। अच्छा, और हमने कहा था कि ये जितना डिस्टेंस कवर किया जाए उसको अगर हम टाइम से डिवाइड करा दें तो जो आंसर हमें मिलेगा दैट इज स्पीड। अच्छा, डिस्टेंस का मतलब इस रास्ते पे हम चल रहे हैं, इस रास्ते पे चल रहे हैं, इस रास्ते पे चल रहे हैं, इस रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन एक पोजीशन से दो पोजीशन पे जाने के दौरान, पहली पोजीशन से दूसरी पोजीशन के जाने के दौरान अगर वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे चलना शुरू करे, अगर वो एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू करे तो उसके बहुत सारे चेंजेस खत्म हो जाते हैं। यहां से जब हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जब बॉडी एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट में जा रही होती है और डायरेक्शन बदल रही होती है तो उस टाइम स्पीड हमारी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, हम स्लो डाउन हो जाते हैं। अगर ये चीजें ना हो और बॉडी एक ही लाइन में मूव कर रही हो, इस रास्ते पर मूव कर रही हो, तो ये वाला जो डिस्टेंस था ये तो सबसे छोटा वाला डिस्टेंस था। ये वाला जो डिस्टेंस था इसको हमने कहा था ये तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को हमने डिस्प्लेसमेंट का नाम दिया था। तो अगर बॉडी का डिस्टेंस ये वाला हो जाए मूवमेंट के द्वारा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम चेक करें कि अच्छा भाई, हम मान लेते हैं आपकी कोई डायरेक्शन नहीं बदल रही, आपको कहीं स्टीयरिंग को अपना घुमाना नहीं पड़ रहा, आप एक ही सिंक में चलते चले जा रहे हैं, आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे, आप स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस पे डिस्प्लेसमेंट पे चलते चले जा रहे हैं, तो एक सेकंड में कितनी दूर आप बढ़ेंगे उस खास अनहिंडर्ड अनचेंज्ड डायरेक्शन वाले डिस्टेंस पे, डिस्प्लेसमेंट पे जो आपकी स्पीड आएगी, उस स्पीड को जो इस रास्ते पे आएगी, क्योंकि इस स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं बदल रही, तो उन्होंने कहा ये तो ये खास स्पीड है जिसमें बॉडी सिर्फ एक ही लाइन पे चल रही है लेकिन डायरेक्शन नहीं बदल रही। तो इस दौरान जो भी इसका उसकी स्पीड आएगी, दैट स्पेशल स्पीड विल बी टर्म्ड एज वेलोसिटी। ठीक है, ये वाला जो फासला था, इस फासले को, यानी कि सिंपल सी बात है, अगर बॉडी इस तरह से जा रही है कि मुसलसल उसकी डायरेक्शन बदल रही है, कभी यहां कभी वहां कभी यहां कभी वहां, तो आप देखेंगे ठीक है उसकी स्पीड है, डायरेक्शन नहीं बता सकते उसके साथ, इसलिए बहुत ज्यादा चेंज हो रही है डायरेक्शन। लेकिन अगर वो किसी ऐसे रास्ते पे चल पड़े जो कि डायरेक्शन को चेंज ही ना कर रहा हो, जिसपे डायरेक्शन उसकी बदल ही ना रही हो, एक ही डायरेक्शन हो, वो रास्ता तो स्ट्रेट लाइन यानी कि डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो डिस्प्लेसमेंट के दौरान जितना भी उसके स्पीड हो रही होगी या स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कवर करने के दौरान जितनी रफ्तार वो रखेगा, वही रफ्तार वही वाली स्पीड जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस में रखेगा डिस्प्लेसमेंट यानी कि, उसी को हम वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, सो नो चेंज, इन रस्तों पे चलेगी तो स्पीड चलेगी, इस रस्ते पे चलेगी तो डिस्प्लेसमेंट की वजह से ये वेलोसिटी बन जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको यहां पे ये चेंज कर देता हूं कि स्पीड के बजाय यहां पे ये आ जाएगा वेलोसिटी। डिस्टेंस की जगह पे हम यहां पे लिख सकते हैं इसको डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब उसी हिसाब से अगर ये जहां जहां डिस्टेंस नजर आ रहा था उसको हम डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस कर देते हैं, तो डिस्टेंस कवर्ड इन अ सर्टेन टाइम स्पीड था, तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन अ सर्टेन टाइम वेलोसिटी हो जाएगा। या फिर रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी के बजाय हम उसको रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये है तो स्पीड ही, लिहाजा इसका सिंबल तो वी ही रहेगा।
लेकिन क्योंकि ये स्पीड है इस खास रास्ते पे चलने वाली, इस खास रास्ते की तो डायरेक्शन है, लिहाजा इस स्पीड के ऊपर भी अब क्योंकि इसकी डायरेक्शन एक असाइन की जा सकती है, लिहाजा ये स्केलर नहीं बल्कि ये क्या बन जाएगी, ये वेक्टर बन जाएगी। और वेक्टर होने की वजह से अब इसके सिंबल के ऊपर एल हेड लगाना जरूरी पड़ जाएगा, तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, डिस्प्लेसमेंट का तो हमने सिंबल पढ़ा ही था, एस के ऊपर एरो, ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जो कि एग्जैक्टली इस फॉर्मूले से मैच करता है, इसी को हमने सिंबल से रिप्लेस किया। ठीक, सिंस इट इज अ स्पीड, लिहाजा मीटर्स पर सेकेंड ही इसकी यूनिट रहेगी। ठीक है, और अगेन ग्रेटर वेलोसिटी भी हम ये बताते हैं कि ये इस स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस पे कितना फास्ट जा रहा है या कितना स्लो जा रहा है। एक टाइम में ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करने का मतलब फास्टर वेलोसिटी, एक टाइम में कम वेलोसिटी से चलने का मतलब यह है कि वो देर देर से आगे बढ़ रहा होगा या स्लो मूव कर रहा होगा। ठीक है, इसकी हम एक डेफिनेशन और बना सकते हैं, क्या हमने देखा, और ये कंसेप्ट के एतबार से बहुत अच्छी डेफिनेशन है। हमने देखा कि अगर बॉडी इस रस्ते पे चल रही हो, स्पीड रखी हुई है, अगर वो इनके बजाय ऐसे रस्ते पे आ जाए जिसमें उस स्पीड को एक ही डायरेक्शन में कवर किया जा रहा हो, अगर बॉडी किसी ऐसे रस्ते पे चले कि उसकी स्पीड एक ही सिंथ में हो, यानी कि वो एक ही सिंथ में जा रही है और फिर उसकी स्पीड नोट करें, तो हम इस खास डायरेक्शन पे चलने वाले रस्ते की स्पीड को हमने कहा वेलोसिटी, तो इसको हम यूं भी कह सकते हैं स्पीड ऑफ अ बॉडी इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये इसकी वेलोसिटी है। एंड दिस इज अ वेरी वेरी गुड डेफिनेशन। एक ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए और एक ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी या स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, दिस गिव्स अस अ ग्रेट कंसेप्ट अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या बन जाएगा इसी को अगर मैं यहां पे देखूं, तो हम इसका मतलब यू लिखना चाह रहे हैं कि वेलोसिटी दरअसल क्या बन जाती है, अगर स्पीड के साथ ही हम कोई डायरेक्शन जोड़ दें, थीटा हमने वेक्टर्स में भी बात की है, तो ये थीटा क्या होता है, एंगल, एंगल शोज अ डायरेक्शन। तो अगर हम किसी स्पीड के साथ डायरेक्शन जोड़ दें तो वो स्पीड अलोंग विद डायरेक्शन हमें दे देगा क्या, वेलोसिटी। ठीक है, इससे हमें ये पता चला कि वेलोसिटी को दो चीजों पे डिपेंडेंट होते देखा, एक वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जिसको स्पीड कहते हैं, ठीक है, और एक वेलोसिटी की डायरेक्शन। अगर इस वेलोसिटी को चेंज करना हो तो जिन दो चीजों पे ये डिपेंड कर रही है, दोनों में से किसी एक को बदल दो, अगर इसको बदल देंगे तो भी ओवरऑल आंसर बदल जाएगा और ये वेलोसिटी का चेंज हमें नजर आएगा, अगर डायरेक्शन बदल देंगे तो भी ओवरऑल आंसर बदल जाएगा और ये वेलोसिटी की वैल्यू हमें डिफरेंट नजर आएगी। तो वेलोसिटी को अगर चेंज करना हो, सो वी हैव टू ऑप्शंस, या तो चेंज कर दें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जिसको हम स्पीड कहते हैं, ठीक है, या तो चेंज कर दीजिए वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो स्पीड के बारे में हम ये भी जानते हैं, स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, ये सब बहुत काम की बातें हैं जिनको आपको एक जगह प्रॉपर्ली कर लीजिएगा। जगह की किल्लत की वजह से मैं एक ही जगह पे जगह मुझे लग रहा है मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं, बट प्लीज डू नोट देम डाउन सेपरेटली एज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ स्पीड्स हमने पढ़ा था, ये टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज हो जाएगा। वही चार टाइप्स जो स्पीड की थी, वही चार टाइप्स वेलोसिटी की भी होती हैं। जिस तरह कांस्टेंट या यूनिफॉर्म स्पीड था, उसी तरह कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होता है। ठीक है, अगर कांस्टेंट स्पीड का मतलब स्पीड डज नॉट चेंज, तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी डज नॉट चेंज। अगर बॉडी की वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट से फिक्स्ड वैल्यू ही रखे, तो हम कहेंगे ये कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और अगेन बाय सेइंग के वेलोसिटी कांस्टेंट है,
वी मीन के वेलोसिटी की दोनों बातें, जो उसका मैग्नीट्यूड जिसको हम स्पीड भी कहते हैं और जो उसके डायरेक्शन, ये इसकी स्पीड है और ये डायरेक्शन, ठीक है। तो दोनों ही चीजें अगर फिक्स्ड हैं, ना मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड बदले ना डायरेक्शन बदले, तो हम कहेंगे कि बॉडी की वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट वेलोसिटी। फिर इसका मजीद अच्छा मतलब हमने क्या निकाला था, अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल टाइम में तो यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी, अगर बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इक्वल टाइम में तो वो उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी कहलाएगी, ठीक है। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन का क्या बनेगा, सॉरी डिस्टेंस टाइम ग्राफ कांस्टेंट स्पीड का कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। हम इसको डिस्टेंस टाइम भी कह सकते हैं इसलिए कि डायरेक्शन तो यहां कैसे शो करेंगे, ग्राफ में तो सिर्फ वैल्यूज ही आती है, ठीक है। लेकिन इसको कहीं पोजिशन टाइम ग्राफ भी लिखा जाता है, एक्स टी ग्राफ, एस टी भी लिखते हैं, एक्स टी भी लिखते हैं, पीटी ग्राफ भी लिखते हैं, यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ अगर किसी बॉडी का स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो समझ जाए वो कांस्टेंट स्पीड का है या कांस्टेंट वेलोसिटी का है, दोनों का एक ही, ठीक है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ अगर बदल रहा है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ कहलाएगा, ठीक है। अगर सिर्फ डिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही है तो, और अगर पोजीशन ही बदल रही है, पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स ही बदल रहे हैं तो वो जाहिर है उसमें वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो अगर पोजीशन टाइम ग्राफ किसी बॉडी का, इसको मैं एस टी भी कह सकता हूं, इसको हम पी टी भी लिख सकते हैं, वेयर पी फॉर पोजीशन, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा। ऑलराइट, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है। इफ स्पीड चेंजेस विद टाइम तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इफ velocity changes with time to non-uniform velocity, if a body covers unequal distance in equal time to ye non-uniform speed banata, agar body unequal displacement cover kare to wo non-uniform velocity banayega, wahi baat hai position time graph increasing velocity ka upward bend curve kehlayega, position time graph डिक्रीजिंग वेलोसिटी का डाउनवर्ड बैंड कर्व कहलाएगा। इसको मैं वेलोसिटी कह दूं, इसको भी मैं वेलोसिटी कह दूं, ठीक है। ऑलराइट, फिर आते हैं अगला हमारा क्या है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को हम एवरेज वेलोसिटी, इसकी चौथी टाइप, तीसरी टाइप बनाते हैं, एवरेज स्पीड के बजाय दिस विल बी एवरेज वेलोसिटी। बिल्कुल मिनिमम चेंजेस, द टोटल डिस्टेंस की जगह पे फिर वही हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन टोटल टाइम, तो ये एवरेज वेलोसिटी अगर होगा तो इसके ऊपर एरो लगना चाहिए और डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी से भी शो करते हैं इसको। इंस्टेंटेनियस स्पीड की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये इसकी चौथी टाइप बन जाएगी। इफ स्पीड ऑफ अ बॉडी इज नोटेड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो इफ वेलोसिटी इज नोटेड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट विल बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सिंपल एज दैट। और इसका टाइम बाउंड फॉर्मूला हमने पढ़ा था, टाइम बाउंड का मतलब इंस्टेंट बहुत ही छोटे टाइम का होता है, ये शर्त है, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, परहैप्स इवन स्मॉलर, तो टाइम बाउंड कहलाता है, ये लिमिट है किसके रिस्पेक्ट से, किसको बाउंड किया है हमने टाइम को, कि वो बहुत छोटा हो, इतना कि जीरो, तकरीबन जीरो के बराबर, एग्जैक्टली जीरो नहीं, तकरीबन जीरो के बराबर। तो अब ये इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला, अब जब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बनाएंगे तो सिर्फ एरो का ही चेंज इसमें आएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डिस्टेंस, और इंस्टेंटेनियस स्पीड के सिंबल पे एरो लग के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और वो तो इंपॉर्टेंट बात है, अगर एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर है तो कॉन्स्टेंट स्पीड, अगर एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर है तो ये बन जाएगा कॉन्स्टेंट वेलोसिटी,
लाइकवाइज अगर एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तो अगर एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर नहीं है तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, सो दिस सिंपल इट इज कि स्पीड और डिस और वेलोसिटी आपस में इतने मिलते जुलते हैं कि अगर आपको स्पीड समझ में आ जाए तो उसमें एक दो एक्स्ट्रा बातें हमने की ये कि वेलोसिटी क्या है। दरअसल स्पीड जो कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कहलाती है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, कंसेप्चुअली आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बॉडी की स्पीड कहलाती है और वेलोसिटी के कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। ठीक है, ये ऐसे लिखते नहीं है फॉर्मूले में, जब दिया जाएगा तो आपको डायरेक्शन और ये मिक्स करके दिए जाते हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मिक्स करके दिए जाते हैं। ये तो सिर्फ मैंने जनरल आपको समझाने के लिए बताया कि एक वैल्यू में दोनों चीजें शामिल होती हैं, डायरेक्शन भी और उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज एक्चुअली स्पीड, और वेलोसिटी को चेंज करना हो तो ये दो बातें हमारे सामने कि स्पीड को बदल दो यानी कि मैग्नीट्यूड को, या डायरेक्शन बदल दो, दोनों सूरतों में वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। लाइकवाइज वेलोसिटी को अगर फिक्स रखना है तो दोनों ही चीजों को फिक्स रखना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक चीज भी बदल गई तो वो वेलोसिटी को चेंज कर देगी। वेलोसिटी चेंज हो गई तो वो मोशन कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो अगर बॉडी का ये टैक्स के हवाले से पूछा जाता है इफ स्पीड ऑफ अ बॉडी इज कॉन्स्टेंट तो वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी कहलाएगी, हम कहेंगे कि जरूरी नहीं है। स्पीड अगर कॉन्स्टेंट है तो डायरेक्शन के बारे में तो हमें पता ही नहीं है। अगर स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी कॉन्स्टेंट है सिर्फ तभी वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी कहलाएगी या यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगी, अदरवाइज इट मे और मे नॉट बी सेम। अगेन दोबारा से मैं इसी ब्लैंक को रिपीट करूं, इफ स्पीड ऑफ अ बॉडी इज कॉन्स्टेंट इट इज नोन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो आंसर इज नो, ऐसा जरूरी नहीं है। इट मे और मे नॉट बी कॉन्स्टेंट क्योंकि वी डोंट नो अबाउट डायरेक्शन। तो अगर ऑप्शन आए कि कॉन्स्टेंट वेलोसिटी कॉन्स्टेंट स्पीड मे और मे नॉट बी कॉन्स्टेंट, तो ये मे और मे नॉट बी कॉन्स्टेंट बिकॉज डायरेक्शन का आपको आइडिया नहीं है। ठीक है, यूनिफॉर्म या कॉन्स्टेंट वेलोसिटी को हम यूनिफॉर्म मोशन भी कहते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड को यूनिफॉर्म मोशन नहीं कहते। मूवमेंट को यूनिफॉर्म होने के लिए मूवमेंट का हर हर हिस्सा कॉन्स्टेंट होना चाहिए, हर हर हिस्सा यूनिफॉर्म एक जैसा होना चाहिए। मूवमेंट में हम चलते हैं तो हमारे डायरेक्शन भी बदलती है, हमारे मैग्नीट्यूड भी बदलता है, दोनों फिक्स होने चाहिए। दोनों फिक्स होते हैं तो वो वेलोसिटी बनती है, इसलिए यूनिफॉर्म मोशन को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी मानते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड नहीं मानते। तो इफ समबडी सेज कि अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन, तो इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि ना तो डायरेक्शन बदल रही है ना स्पीड बदल रही है। ठीक है, और अगर कहा जाए इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इट मीन सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम है उसका, हो सकता है डायरेक्शन बदल रही है। ठीक है, और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी, जिसका एक दूसरा नाम अभी हम देखेंगे एक्सेलरेटेड मोशन भी होता है, एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, सो दिस इज ऑल दैट वी नीड टू नो एंड मोर देन दैट अंडरस्टैंड अबाउट वेलोसिटी एंड द टाइप्स ऑफ वेलोसिटी and the difference between speed and velocity, both diagrammatically means we should be able to imagine both the differences in our minds, as well as we must know few important things like the graphs of the two and the different types of graphs of different types of motions that are associated with uniform and non-uniform speed and velocity. Okay, so now let us proceed with the fifth and the final kinematic term jo ke hai acceleration. Okay, ये जो कुछ भी हमने पढ़ा अगेन इसी में थोड़े थोड़े से चेंजेस करके हम एक्सेलरेशन भी देखेंगे। कम से कम ये चार टाइप्स जो हमने देखी दे आर वेरी सिमिलर फॉर स्पीड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, सो नाउ लेट अस लुक एट इट, बट एक्सेलरेशन इज अ बिट डिफरेंट एंड माइट बी अ बिट कंफ्यूजिंग बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ सर्टेन चेंज। ठीक है, सो उसको हम थोड़ा सा अभी देखते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द फोर्थ, सॉरी लेट अस स्टार्ट विद द फिफ्थ काइनेमेटिक टर्म दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेट कर देना, अभी हमने बात की कि एक्सेलरेट हो जाने को नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल समझते हैं, तो
तो यहीं से हमें समझ में आ गया, यहीं से हमें एटलीस्ट आइडिया तो जरूर हो गया कि अगर किसी चीज में नॉन यूनिफॉर्मिटी हो वेलोसिटी की, किसको हमने एक्सेलरेटेड कहा था, जिसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो वो एक्सेलरेटेड है, ठीक है, ओके। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो हमें अभी प्रीवियस नॉलेज से कुछ पता हुए। अच्छा, गाड़ियों में हमने देखा है, अपने व्हीकल्स में हमने देखा है एक्सेलरेटर होता है, तो एक्सेलरेटर उमूमन एक्सेलरेटर उस चीज को समझा जाता है जो बॉडी को स्पीड अप करता है, ठीक है। तो एक्सेलरेटर एक्चुअली क्या करता है, किसी भी काम को स्पीड अप कर देता है। काइनेमेटिक्स में हम कहते हैं मोशन को स्पीड अप कर देता है या मोशन को स्लो डाउन कर देता है। एक्सेलरेट कर दो तो उसको स्पीड अप कर दो, डी एक्सेलरेट कर दो तो उसको स्लो डाउन कर दो, यानी कि दरअसल मोशन को चेंज कर देता है, ठीक है। तो गाड़ियों में जो हमने देखा है एक्सेलरेटर होता है, मोटरसाइकिल्स में हमने देखा है, व्हीकल्स में जो एक्सेलरेटर होता है वो एक्चुअली व्हीकल की मूवमेंट को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, या तो स्पीड अप कर देता है या फिर स्लो डाउन कर देता है। अगर आप एक्सेलरेटर प्रेस करते हैं तो स्पीड अप हो जाती है, छोड़ देते हैं तो बॉडी अपने आप स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है, ब्रेक का उसमें बड़ा किरदार होता है, ठीक है। एक्सेलरेटर प्रेस करने पर ऑलवेज स्पीड्स अप, यानी कि मोशन को इनहेंस कर देता है, मोशन को मजीद एक्सपेडाइट यानी कि फास्ट कर देता है, ठीक है। मूवमेंट फास्ट हो गई तो मूवमेंट जब कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म होती है, तो हमने कहा था यूनिफॉर्म मूवमेंट या यूनिफॉर्म मोशन का मतलब जब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, और अगेन वेलोसिटी का मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों। तो अगर बॉडी की वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही है तो हम कहते हैं उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन मौजूद है, ठीक है। सो व्हाट डज एक्सेलरेशन मीन, एक्सेलरेशन दरअसल बॉडी की मूवमेंट में जो वेलोसिटी का चेंज आ रहा होता है, उसकी वेलोसिटी चाहे उसकी स्पीड या डायरेक्शन जो भी चेंज हो रही हो तो हम कहते हैं उसके अंदर एक्सेलरेशन आ गया। मिसाल के तौर पे एक गाड़ी है, आप एक ही सिफ्ट में चलते चले जा रहे हैं, आपने एक्सेलरेट किया, ठीक है, स्पीडोमीटर पे काटा 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 हो गया, तो ये उसकी स्पीड बदल गई। आप कहेंगे बस स्पीड बदल गई, तो स्पीड बदलने से वेलोसिटी बदल जाएगी, एक्सेलरेशन आ गया। आप 60 की स्पीड पे जा रहे हैं, अचानक टर्न आ गया, आपको टर्न लेना था, आपने स्पीडोमीटर पे या आपने इस पे एक्सेलरेटर पे पैर रखा हुआ है आपने, लेकिन अब आपने क्या किया, स्टीयरिंग घुमा दिया। स्टीयरिंग घुमा देंगे तो आप देखेंगे ओवरऑल जो जो उसका पॉइंटर है स्पीडोमीटर का, वो स्पीड को थोड़ा सा डिक्रीज शो करेगा, ठीक है। तो चेंज इन डायरेक्शन से, हालांकि आपने एक्सेलरेटर पे उतना ही पैर रखा हुआ है तो स्पीड को दरअसल आपने चेंज नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद जब आप स्टीयरिंग घुमाते हैं तो स्पीडोमीटर पे जो पॉइंटर है वो थोड़ा सा कम दिखाता है। 60 की स्पीड पे तो सपोज 55 या 50 हो जाता है, तो वो ओवरऑल डिक्रीज हमें नजर आता है। सो चेंज इन डायरेक्शन ऑल्सो कॉजेज चेंज इन मोशन, तो ये दोनों सूरतों में बॉडी की वेलोसिटी ही अफेक्ट हो रही है। डायरेक्शन बदल देने से तो भी वेलोसिटी बदलती है, स्पीड बदल देने से तो भी वेलोसिटी बदलती है। तो ये बात कंफर्म हो गई या ये बात हमें पक्की पक्की याद होनी चाहिए है कि बॉडी के एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है, उसकी वेलोसिटी का चेंज आ जाना, ठीक है। क्योंकि स्पीड को चेंज कर देने से भी मूवमेंट चेंज होती है, और सिर्फ अगर स्टीयरिंग को घुमा दिया जाए, डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए, तो भी स्पीड उसकी या ओवरऑल मूवमेंट उसकी बदलती हुई हमें नजर आती है। तो अगर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस तो हम कहते हैं उसके अंदर एक्सेलरेशन है, यानी कि उसकी मोशन कैसी है, एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। तो अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही हो तो हम कहते हैं उसके अंदर एक्सेलरेशन है, लेकिन कम एक्सेलरेशन है कि कितना एक्सेलरेशन, कि ज्यादा एक्सेलरेशन है, ये कैसे पता चलेगा। तो आप कहेंगे चेंज कितना हो रहा है उस पर डिपेंड करता है, अगर ज्यादा चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे कि इसमें एक्सेलरेशन ज्यादा है, अगर कम चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे इसमें एक्सेलरेशन कम है, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं कि एक सेकंड में कितना चेंज आ रहा है। मिसाल के तौर पे इसको हम ऐसे समझते हैं कि दो गाड़ियां हैं, दोनों सेम स्पीड से चल रही हैं, ठीक है। एक इस तरह से चलती है कि जब वो शुरू करती है तो उस टाइम पे उसकी मूवमेंट थी, सपोज स्टार्ट उसने रेस्ट से किया और 10 सेकंड पे पहुंचने तक उसकी स्पीड हो गई 100 मीटर पर सेकंड। अगेन जीरो से स्टार्ट किया और इतना तेज उसने एक्सेलरेटर प्रेस किया कि वो जीरो से 10 सेकंड के बाद कहां तक पहुंच गया, 100 मीटर पर सेकंड तक पहुंच गया। और एक दूसरी बॉडी है जो कि जीरो से चली
ठीक है, और 10 सेकंड के बाद उसमें 50 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी हुई, तो हम कहेंगे ज्यादा चेंज किस में आया, जीरो से जो 100 तक पहुंचा या जीरो से जो 50 तक पहुंचा। तो ऑब्वियसली जो जीरो से 100 तक पहुंचा उसने ज्यादा चेंज किया होगा, यानी कि क्विकली क्विकली स्पीड कवर की होगी, उसने स्पीड बढ़ाई होगी अपनी। तो आप कहेंगे इसमें ज्यादा रैपिड चेंजेस आ रहे हैं, ज्यादा बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं, लिहाजा इसको हम अगर यूं समझें कि एक बॉडी है वो जीरो से 10 सेकंड तक, जीरो से 100 हो जाती है, तो एक सेकंड में कितना चेंज आ रहा होगा। अगर 100 10 सेकंड में है तो एक सेकंड में 10 का चेंज आ रहा होगा। तो ये हर सेकंड के बाद 10 स्पीड बढ़ाते रही, यानी कि यहां पे 10 हो गई होगी, यहां 20 हो गई होगी, यहां 30 40 50 60 70 80 और 10वें सेकंड तक 100। तो हर सेकंड के बाद कितना लीप लिया उसने, कितना एक्सेलरेट किया उसने, कितना चेंज आया उसके अंदर, 10 का चेंज आया, पुराने वाले से 10 ज्यादा। और दूसरी हमने कहा ये 10 सेकंड के बाद उसकी स्पीड 0 से 50 हो गई थी। अब इसमें आपने देखा कि ठीक है 50 अगर 10 सेकंड में है तो 1 सेकंड में 5 का चेंज आ रहा होगा, ठीक है, तो 1 सेकंड में 5 का चेंज आ रहा है, तो यहां पे 1 2 चलते चलते 5, फिर इस तरह से 10 हो जाएगा, फिर 15, फिर 20 और फिर चलते चलते यहां पे 50 आ जाएगा। तो दोनों में से किसमें ज्यादा चेंज आया, इसने 1 सेकंड में 10 का चेंज लाया, ये 1 सेकंड में 5 का चेंज लाया, तो ऑब्वियसली कहेंगे इसमें ज्यादा एक्सेलरेट हुआ। ओके, इसमें ज्यादा एक्सेलरेशन हमें नजर आया क्योंकि इसमें 1 सेकंड में ज्यादा बड़ा चेंज नजर आया 10 का। एक एग्जांपल और, एक बॉडी है, एक और गाड़ी हम लेते हैं जो 0 से 20 सेकंड्स तक पहुंचते-पहुंचते यहां पे उसकी स्पीड 100 होती है। अब किसकी स्पीड में ज्यादा चेंज आया, आप कहेंगे कि दोनों 0 से शुरू हुए, दोनों 100 पे खत्म हुए, लेकिन एक ने 100 स्पीड जल्दी एक्वायर कर ली, 10 सेकंड के बाद ही एक्वायर कर ली, दूसरे ने 100 स्पीड एक्वायर करने के लिए 20 सेकंड लगा दिए। तो ज्यादा कौन चेंज हुआ होगा, ज्यादा तेजी से किसमें चेंजेस आए होंगे, तो हम कहेंगे कि अगर ये 100 स्पीड 20 सेकंड में लाता है तो 25 से 100, तो ये 5 मीटर पर सेकंड का चेंज ला रहा होगा एक सेकंड में, यानी कि ये हर सेकंड में 5-5 बढ़ रहा होगा, जब ही ये बढ़ते बढ़ते जब 20 सेकंड पहुंचे तो 100 हो गई होगी। तो ज्यादा बड़ा चेंज इसमें आया है 10 एक सेकंड में, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि चेंज किस बॉडी में ज्यादा आ रहा है, ये डिपेंड करता है कि हम ये देखते हैं एक सेकंड में, बताओ ओवरऑल स्पीड दोनों की सेम हो सकती है लेकिन एक सेकंड में कौन ज्यादा तेजी से जंप करके हाई से हाई स्पीड जा रहा है, ये एक सेकंड में कौन ज्यादा स्पीड को चेंज कर रहा है, तो वो हम निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन हमें चेंज इन वेलोसिटी बताता है, बॉडी में कितना चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है लेकिन एक सेकंड में, एक सेकंड में जिसमें जितना ज्यादा चेंज होगा वेलोसिटी का उसको एक उसके एक्सेलरेशन की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन यूनिट 9, जिसको हमने कहा था एनी क्वांटिटी जो यूनिट टाइम में हो या डिवाइडेड बाय टाइम हो उसको हम रेट ऑफ भी पढ़ते हैं, यानी कि डिवाइडेड बाय टाइम, तो किसको यूनिट लिया जा रहा है, किसको यूनिट टाइम में लिया जा रहा है, चेंज इन वेलोसिटी को, किसको टाइम से डिवाइड किया जा रहा है, चेंज इन वेलोसिटी को, यहां हमने टाइम से डिवाइड किया, यहां हमने टाइम से डिवाइड किया, यहां हमने टाइम से डिवाइड किया, तो रेट ऑफ का मतलब डिवाइडेड बाय टाइम, हु इज बीइंग डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी, तो हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, सो दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन जो हमें याद होनी चाहिए या हमें पता होना चाहिए। ओके, अब सर आगे की बातें, इस एक्सेलरेशन को हम किस सिंबल से शो करते हैं, तो आंसर इज एक्सेलरेशन ए से आता है, तो इसका सिंबल भी हमने स्मॉल ए रख दिया। ठीक है,
लेकिन क्योंकि ये चेंज इन वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है और वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लिहाजा ये भी वेक्टर बनेगा। ये जिस पे डिपेंडेंट है वेक्टर पे डिपेंडेंट है, तो वेक्टर पे डिपेंडेंट है तो वेक्टर ही मिलेगा आंसर में, तो ये हमें एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी ऐसा यूनिट क्या बनेगी, तो इसका पहले फॉर्मूला बनाते हैं फिर ऐसा यूनिट हम इसके समझते हैं। हमने कहा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यानी के सिंबॉलिकली अगर हम लिखें तो ए इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी कह लें या डेल्टा बी अपॉन टी कह लें। तो डेल्टा बी इज व्हाट, वी वेक्टर वेलोसिटी है तो डेल्टा डिनोट्स चेंज इन क्वांटिटी, तो डेल्टा बी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला बन गया, मैथमेटिकल फॉर्मूला बन गया। अब आइए सर इसकी एसआई यूनिट पे, इसकी एसआई यूनिट क्या बनती है। हमने कहा कि अगर वेलोसिटी और टाइम को डिवाइड करा दो तो एक्सेलरेशन मिलेगा, तो वेलोसिटी के चेंज और टाइम की यूनिट्स को डिवाइड करा दें तो एक्सेलरेशन यूनिट मिल जाएगी। लेकिन हमने वेलोसिटी की यूनिट तो पढ़ी, चेंज इन वेलोसिटी यूनिट तो कोई नहीं पढ़ी, तो आंसर इज चेंज इन वेलोसिटी कोई मुख्तलिफ चीज नहीं है। मास में से मास को माइनस कराएंगे तो मास ही रहेगा, 10 केजी माइनस 8 केजी 2 केजी रहा मास ही। लेंथ में से लेंथ को माइनस कराएंगे 20 फीट माइनस 15 फीट आंसर 5 फीट लेंथ ही रहेगी, तो वेलोसिटी में से वेलोसिटी को माइनस करा देंगे तो आंसर वेलोसिटी ही रहेगा। ठीक है, वेलोसिटी ही रहेगी, लिहाजा हम इसका मतलब ये लिखने जा रहे हैं मीटर्स पर सेकेंड जो कि वेलोसिटी की यूनिट है डिवाइडेड बाय टाइम जो कि सेकंड। ठीक है, इसका मतलब है मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं मीटर्स पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, और डिवाइडेड बाय सेकंड किसी भी क्वांटिटी को जब हम डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए तो वो रेसिप्रोकेट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं डिवाइडेड बाय सेकंड को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगा तो ये मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन सेकंड हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन सेकंड होने के बाद इस सेकंड को देखिए और इस सेकंड को देखिए, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, m into 1 बन जाएगा m, तो ये बन गया मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गई एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इस एक्सेलरेशन को जिसको हमने डेल्टा बी अपॉन टी लिखा है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये डेल्टा बी दरअसल क्या बताते हैं चेंज इन वेलोसिटी। चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकलेगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी भी लिख सकते हैं, या सिर्फ फॉर्मूले में न्यूमेरिकल्स में तो हम सिर्फ इनके मैग्नीट्यूड की ही बात करेंगे, तो मैग्नीट्यूड की जब बात करते हैं तो डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती तो ऊपर से एरो भी नहीं लगाते उस वक्त पे, क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड्स की स्केलर पार्ट की बात कर रहे हैं, तो इसको हम इसी वजह से ज्यादातर वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी लिखते हैं। इसी को रीअरेंज करते हैं, टी यहां चला गया वी आई यहां से उठ के आ गया, तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो बन जाती है। बहरहाल आपको ये फॉर्मूला याद रखना है बस, दैट्स इट, इसको टी लिखते हैं डेल्टा टी लिखते हैं, हम टी लिखते हैं क्योंकि फॉर्मूले में आपको टी की वैल्यू गिवन होती है तो हमारे लिए ये ज्यादा कन्वीनियंट है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया अबाउट एक्सेलरेशन। नाउ अब एक्सेलरेशन की कुछ टाइप्स और जो हमने लिखी भी है इसी को पहले देख लेते हैं, उसको आप फिर दो अलग तरह के एक्सेलरेशन हम देख लेते हैं। जिस तरह से हमने देखा था टाइप्स ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, उसी तरीके से टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन भी होते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यही बातें रहेंगी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या था, इफ वेलोसिटी डज नॉट चेंज, तो हम कहेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा, इफ एक्सेलरेशन डज नॉट चेंज। ठीक है, एक्सेलरेशन चेंज
ये बड़ी खुद कंफ्यूजिंग सी बात होती है, एक्सेलरेशन का चेंज ना होना। एक्सेलरेशन का खुद चेंज को कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी का चेंज ना होना, ये क्या बात हुई? ठीक है, सो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग एट टाइम्स इन द बिगनिंग। उसके बाद फिर जब एक दफा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो यू गेट टू नो कि इसका मतलब क्या है। देखिए, इसको हम थोड़ा सा ग्राफिकली समझते हैं, कॉन्स्टेंट और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। देखिए, एक बॉडी है वो ऐसे चल रही है, 0 से 5 सेकंड्स तक हमने उसकी मूवमेंट स्टडी की, 1, 2, 3, 4, 5। वो 0 से शुरू करती है, जब वो पहले सेकंड के इख्तिताम तक पहुंचती है तो उसकी रफ्तार बढ़कर 2 मीटर पर सेकंड हो चुकी होगी। फिर यहां पे 4, यहां पे 6, यहां पे 8 और यहां पे 10। तो 5वें सेकंड के इख्तिताम तक उसकी स्पीड जब चेक की तो बढ़ते बढ़ते 10 हो गई थी। अब क्या यहां चेंज इन स्पीड आया? तो आप कहेंगे ऑफ कोर्स चेंज इन स्पीड आया। हर इंटरवल को हमने अपनी आसानी के लिए हमेशा की तरह 1 सेकंड का ले लिया। ठीक है, एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। पहला सेकंड जब मुकम्मल हुआ तो फाइनल वेलोसिटी कितनी थी? 2। और इनिशियल कितनी थी जिससे इसने स्टार्ट किया था? 0। अपॉन टाइम ड्यूरेशन पे तो हमने 1 ले ही लिया, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। दूसरे इंटरवल में, अब मैं हर एक के लिए कैलकुलेशन नहीं करूंगा, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। दूसरा सेगमेंट शुरू हुआ जब उसकी स्पीड 2 थी और खत्म हुआ जब उसकी स्पीड हो गई 4। तो 2 से 4 तक का चेंज आया, कितना चेंज आया? 4 माइनस 2 2, बिल्कुल ऐसे जैसे पहले सेगमेंट में। 6 माइनस 4, तीसरे सेगमेंट में भी उतना ही चेंज आया, 2। चौथे में 8 माइनस 6 2, पांचवे में 10 माइनस 8 फिर 2। तो हर सेकंड में उसकी स्पीड चेंज हो रही है, यस चेंज हो रही है, यानी कि एक्सेलरेशन है बिल्कुल, लेकिन हर सेकंड में स्पीड फिक्स्ड वैल्यू से चेंज हो रही है। अगर यहां पे स्पीड 2 मीटर पर सेकंड बढ़ गई थी तो अगले में भी 2 ही बढ़ी, इसमें भी 2, इसमें भी 2। ये जो चेंज कहलाता है, चेंज तो आ रहा है और कंटिन्यूअसली आ रहा है, ठीक है, लेकिन फिक्स्ड वैल्यू का चेंज है, हमेशा 2 ही बढ़ रही है, कभी 2 से ज्यादा या 2 से कम नहीं बढ़ रही। तो अगर फिक्स्ड वैल्यू का चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, यानी कि फिक्स्ड एक्सेलरेशन है, तो फिक्स्ड एक्सेलरेशन को हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लिखते हैं इफ एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज, तो ये टाइप ऑफ एक्सेलरेशन कौन सा कहलाएगा? नॉन कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगी। एक्सेलरेशन होने का मतलब ही क्या है? मोशन कैसे है? नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी है। तो अगर एक्सेलरेशन बॉडी का चेंज नहीं होता तो वो हम कहेंगे कि ये फिक्स्ड एक्सेलरेशन है, जिसकी एग्जांपल हमने देखी, हर सेकंड में फिक्स्ड वैल्यू का ही चेंज आता है। ऑलराइट, अगर ऑन द अदर हैंड ऐसा हो, यही 5 सेकंड, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0 से शुरू करता है, पहले 2 पे गया, फिर 5 पे गया, फिर 6 पे आया, फिर 8 पे आया और अब 10 पे आया। अब यहां देखें क्या हुआ, इसमें कितना चेंज आया 0 से 2 के दरमियान, इसमें 2 का चेंज आया, इसकी स्पीड बढ़ी, हाँ हर दफा बढ़ रही है, ठीक है, 2 से बढ़कर 5 हो गए, 5 से बढ़कर 6 हो गए, 6 से बढ़कर 9 हो गए, 9 से बढ़कर 10 मीटर पर सेकंड हो गए। तो यस, देर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, तो यस देर इज एक्सेलरेशन इन दिस मोशन एज वेल। लेकिन ये चेंज कैसा है? क्या इसकी तरह हमेशा फिक्स्ड वैल्यू का चेंज है या कभी कम कभी ज्यादा? तो हमने कहा कि 0 से 2, 2 का चेंज आया, अगले में 5 माइनस 2, 3, 3 का चेंज आया, अगले में 6 माइनस 5, सिर्फ 1 का चेंज आया, अगले में 9 माइनस 6, 3 का चेंज आया, और उसके बाद फिर 1 का चेंज आया। तो आप कहेंगे कभी 2 का चेंज आ रहा है, कभी 3 का चेंज आ रहा है, कभी 1 का चेंज आ रहा है, तो ये चेंज फिक्स नहीं है, ये चेंज कभी कम चेंज है, कभी ज्यादा चेंज जरूर हो रहा है, वैल्यू वेलोसिटी के मुसलसल बढ़ रही है, लेकिन कभी थोड़ी सी बढ़ती है, कभी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसा चेंज जो कि फिक्स्ड वैल्यू का नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू का नहीं है, उसको हम नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल चेंज कहेंगे या वेरिएबल एक्सेलरेशन कहेंगे। ठीक है, तो इफ एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी चेंजेस
ठीक है। और यहां हम क्या कहेंगे, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहां हमने इक्वल टाइम इंटरवल में इफ अ बॉडी अंडरगोस इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो इसको हम इफ अ बॉडी कवर्स के बजाय शोज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो क्या कहलाएगा ये, कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। और अगर यहां पे एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, जिसको हम कहेंगे इफ अ बॉडी शोज अनइक्वल अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल, जैसे कि ये था, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एक्सेलरेशन, ठीक है। ओके, इनके ग्राफ्स भी कैसे बनेंगे, एक्सेलरेशन का ग्राफ किसके दरमियान बनेगा, तो देखें स्पीड का ग्राफ किसके दरमियान बना था, वेलोसिटी डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंडेंट थी, तो उसका ग्राफ भी डिस्टेंस और टाइम पे बना, ठीक है। या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे थी, तो हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया या पोजिशन टाइम ग्राफ बनाया। स्पीड डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंडेंट थी, तो हमने उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया, ठीक है। इसी तरह एक्सेलरेशन किस पे डिपेंडेंट है, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वो वेलोसिटी और टाइम पे डिपेंडेंट है। चेंज तो ग्राफ से हम खुद निकाल लेंगे, तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब किस क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है, वेलोसिटी पे, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो हम यहां पे इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हम यहां पे कहेंगे वीटी ग्राफ इसका, क्योंकि कांस्टेंट है, कैसा बनेगा इसका वीटी ग्राफ, कैसा बनेगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द रीजन, ठीक है। इसी तरीके से इसका क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अपवर्ड कर्व पर डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डाउनवर्ड कर्व पर, ठीक है। तो आई गेस ये चीजें हमें क्लियर हुई अभी। अब आते हैं एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तरह एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन। अब यहां पर हमने क्या कहा था, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो जाएगा यहां पे, टोटल चेंजेस इन वेलोसिटी इन टोटल टाइम, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा अगर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और फॉर्मूला क्या बन जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में, अब एक्सेलरेशन किस पे डिपेंडेंट है, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ सम टाइम पे, तो इसको हम डेल्टा एस से रिप्लेस करके डेल्टा वी बना देंगे, ठीक है। और यही बातें अगर एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज इक्वल हो तो कांस्टेंट वेलोसिटी, तो अगर एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशंस बराबर हो तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहलाएगा। लाइकवाइज अगर एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशंस इक्वल ना हो तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन। अब यहां पर हमने क्या कहा था, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो जाएगा यहां पे, टोटल चेंजेस इन वेलोसिटी इन टोटल टाइम, ठीक है।
तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा अगर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और फॉर्मूला क्या बन जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में, अब एक्सेलरेशन किस पे डिपेंडेंट है, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ सम टाइम पे, तो इसको हम डेल्टा एस से रिप्लेस करके डेल्टा वी बना देंगे, ठीक है। और यही बातें अगर एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज इक्वल हो तो कांस्टेंट वेलोसिटी, तो अगर एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशंस बराबर हो तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहलाएगा। लाइकवाइज अगर एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशंस इक्वल ना हो तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा, ठीक है। तो ये है सारी चीजें जो कि एक्सेलरेशन की चारों टाइप्स को हमने इसमें स्टडी किया, बिल्कुल आपने देखा इट्स वेरी सिमिलर, हमें ये स्टडी करने में कोई टाइम नहीं लगा, इसलिए कि जो कांस्टेंट स्पीड यूनिफॉर्म जो हमने टाइप्स ऑफ स्पीड देखी थी वही टाइप्स ऑफ वेलोसिटी है और वैसे ही टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन ये वाले के, ठीक है। ये एक्सेलरेशन के वैल्यू में आने वाले जो चेंजेस हैं वो कैसे उनके रिस्पेक्ट से, ठीक है। अच्छा इसके अलावा हमने चेंजेस की बात की कि भाई कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी कि चेंज फिक्स वैल्यू का है, चेंज फिक्स वैल्यू पर नहीं है, बहुत दफा चेंज हो रहे हैं वैल्यूज में तो एक वैल्यू बतानी हो तो एवरेज एक्सेलरेशन जैसे कि यहां पे, और किसी भी एक खास लम्हे पे अगर आप जैसे मिसाल के तौर पर कोई भी बात ले लें, ये ले लें बॉडी इस तरह से चल रही है, इस लम्हे पे इसका एक्सेलरेशन अगर somehow हम मालूम कर लें तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो जो भी हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू में आने वाले चेंजेस के हिसाब से हमने ये इसमें बताया, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू एक पॉइंट पर बता दो या बहुत सारी वैल्यूज हैं तो उससे एक बता दो, इस तरह से वैल्यू फिक्स वैल्यू का चेंज है या डिफरेंट वैल्यू का चेंज है, बहुत सारी वैल्यूज हैं अगर तो सबका चेंज एक में रिप्रेजेंट करने के लिए एवरेज ले लो, या किसी एक टाइम पे भी अगर चेंज निकालना हो तो उस वक्त उसका एक्सेलरेशन का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ले लो, ये बातें हमने देखी, ठीक है। बट अब हम ये देखते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चेंजेस वी ऑब्जर्व, बॉडी की स्पीड में दो तरह के चेंजेस होते हैं हम जानते हैं, इंक्रीजिंग वेलोसिटी भी होती है और डिक्रीजिंग वेलोसिटी भी होती है, यानी कि कार स्पीड अप भी हो रही होती है और कार स्लो डाउन भी हो रही होती है। हम गाड़ी में एक्सेलरेटर प्रेस करते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, दोनों सूरतों में वेलोसिटी में चेंज तो आया, वेलोसिटी में चेंज आने का मतलब दोनों सूरतों में एक्सेलरेशन तो आया, लेकिन ये दोनों एक्सेलरेशन यकसा डिफरेंट हैं। कैसे, एक एक्सेलरेशन आपको बता रहा है बॉडी की स्पीड का बढ़ जाना, अलग अलग इफेक्ट्स हैं, एक एक्सेलरेशन बता रहा है आपको कि ये तेज हो रही है जल्दी जल्दी फासला कवर कर रही है, और एक एक्सेलरेशन आपको बता रही है कि ये धीरे 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 ये स्लो 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 हो रही है, बॉडी की स्पीड कम हो रही है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है, ठीक है। और क्या पता आगे जाके रुक भी जाए, तो ये दोनों तरह के जो चेंजेस हैं इनके फिजिकल मीनिंग्स बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो कैसे हमें पता चले किसी बॉडी के बारे में कि ये जो बॉडी की वैल्यू में चेंज आ रहा है वेलोसिटी की, ये वेलोसिटी उसको बढ़ाने वाला चेंज है या ये वेलोसिटी उसको कम करने वाला चेंज है, ठीक है। तो ये हम बॉडी के अंदर आने वाले चेंजेस के नेचर को देखते हैं कि ये इंक्रीजिंग चेंज है या डिक्रीजिंग चेंज है, और इससे कैसे हम पहचान सकते हैं किसी चेंज को देख के कि उसका मतलब क्या है, ठीक है। यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखी हो 10, एक्सेलरेशन मींस चेंज इन वेलोसिटी, अब ये चेंज 10 बढ़ाने वाला है या 10 कम कर देने वाला है ये कैसे पता लगाए, तो इसके लिए भी हमें कुछ बातें इसमें देखना। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल इन विच बॉडी इज मूविंग विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, यानी कि हम ये कह रहे हैं इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 थी, ठीक है,
और सपोज फाइनल वेलोसिटी हमने देखी, इसकी फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है। टाइम इंटरवल ले लेते हैं कोई सा भी, 1 सेकंड, 5 सेकंड, ठीक है। तो उसका एक्सेलरेशन कैसा आएगा, टी इज इक्वल टू 5 सेकंड्स ले लेते हैं। एक्सेलरेशन कैसा आएगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं, दैट इज वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। मैं यहां पे सिर्फ वैल्यूज की बात कर रहा हूं, कोई डायरेक्शन नहीं, इसलिए एरो भी नहीं लगाया हमने। तो ये वी एफ विच इज 10 माइनस वी आई विच इज 0 अपॉन टी विच इज 5, क्या बन जाएगा ये 10/5। 10/5 का मतलब कैसा आ गया आंसर, प्लस 2 उसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा, अगर ऑन द अदर हैंड यही उल्टा हो रहा हो, सेकंड केस, डिक्रीजिंग वेलोसिटी से इसकी एग्जांपल क्या बन सकती है, अ कार इज एक्सेलरेटिंग, यानी कि आपने एक्सेलरेटर पे प्रेस किया और बॉडी स्पीड अप होनी शुरू हो गई, यहां गाड़ी मूव कर रही है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी मींस ब्रेक्स आपने अप्लाई किए। बिल्कुल ऐसे जैसे घर से निकले, आप जब घर से निकलते हैं तो एक्सेलरेटर की स्पीड बढ़ाते हैं। अब ये सिनेरियो है एक ऐसी गाड़ी को जो ऑलरेडी रोड पे चल रही है, सामने कुछ फास्ट है तो उसको ट्रैफिक सिग्नल नजर आया तो उसने ब्रेक्स अप्लाई करना शुरू किया। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, ठीक है, अब क्योंकि वो रेस्ट में आ गई लिहाजा फाइनली उसकी वैल्यू 0, लेकिन जब वो चल रही थी तो उसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो इफ अ कार इज मूविंग विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी, यानी कि वो चल रही है, शुरू में उसकी स्पीड ज्यादा है, उसने ब्रेक अप्लाई किए तो शुरू में उसकी स्पीड ज्यादा है, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा, और ब्रेक अप्लाई करते करते फाइनली जब हमने चेक किया 5 सेकंड के बाद, तो उसकी फाइनल स्पीड 0 हो चुकी थी। ठीक है, तो अब ये वी एफ माइनस वी आई, फाइनल वाली वैल्यू विच इज 0 माइनस इनिशियल वाली वैल्यू विच इज 10 अपॉन टाइम रिक्वायर्ड या टाइम टेकन 5, क्या वैल्यू बन गई है, माइनस का 10/5 जिसका आंसर आ गया माइनस का 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। नाउ क्या आया ये, नेगेटिव एक्सेलरेशन। इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को डी एक्सेलरेशन या इन शॉर्ट डीसेलरेशन भी कहते हैं, और इसका एक नाम रिटार्डेशन भी होता है। रिटार्ड का मतलब होता है बैकवर्ड, तो ये रिटार्डेशन भी कहलाता है। रिटार्डेशन किसकी वजह से, माइनस साइन की वजह से, बिकॉज माइनस साइन शोज ऑपोजिट डायरेक्शन। इसमें एक्सेलरेशन निकला था हमारा प्लस 2, प्लस 2 का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो इसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन निकलती है पॉजिटिव, यानी कि बॉडी की मूवमेंट किस तरफ हो रही है, पॉजिटिव। जो बॉडी को धक्का मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, आगे की तरफ, जो चेंज मिल रहा है उसको आगे बढ़ाने का चेंज मिल रहा है। ठीक है, और यहां क्या होगा, यहां हमने देखा कि ये 0 से लेके अगर 10 तक खत्म करता है 5 सेकंड में, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने देखी -2। माइनस टू में हमने देखा माइनस साइन का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगर बॉडी ऐसे जा रही है, ये उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन थी, और इसमें चेंज भी कैसा आ रहा था, फॉरवर्ड प्लस, यानी कि फॉरवर्ड सेम डायरेक्शन का बॉडी चल भी ऐसा रही है और उसमें चेंज भी इसी तरफ जाने का आ रहा है। यहां क्या हो रहा है, बॉडी चल तो आगे रही है, यानी कि सारे जब वो ब्रेक अप्लाई कर रही होती है बॉडी, तो ब्रेक अप्लाई करके चल तो सामने सामने रही है, आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन हो रही है, तेज चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होके उसकी मूवमेंट तो फॉरवर्ड ही हो रही है, लेकिन जो उसको चेंज मिल रहा है वो कैसा आया, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब होता है बैकवर्ड। अगर ये फॉरवर्ड है
तो उसको एक्सेलरेशन मिलेगा बैकवर्ड, ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। तो जो धक्का मिल रहा है उसको, जो चेंज मिल रहा है उसको, वो पीछे की तरफ मिल रहा है, यानी कि बॉडी जा आगे रही है लेकिन एक्सेलरेशन कह रहा है कि पीछे चलो पीछे चलो। इसी वजह से दोनों में आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से बॉडी की स्पीड कम हो जाती है और फाइनली इट कम्स टू रेस्ट। ठीक है, तो पॉजिटिव का मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कौन एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब हुआ। और नेगेटिव एक्सेलरेशन जिसको हम डिसेलरेशन या रिटार्डेशन भी कहते हैं, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कौन डिसेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, कौन एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन बॉडी को चेंज इन वेलोसिटी मूवमेंट की ही डायरेक्शन में मिल रहा है, तो डायरेक्शन में दोनों साथ मिल रहे हैं तो सारे इफेक्ट बढ़ जाएगा, बॉडी की स्पीड इंक्रीज कर जाती है। नेगेटिव साइन क्या शो करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन, कौन किसके ऑपोजिट है, तो एक्सेलरेशन मोशन के ऑपोजिट है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी के अगेंस्ट काम कर रहा होगा और उसको स्लो डाउन नतीजतन कर रहा होगा, इसलिए दोनों एक दूसरे के उल्टे चल रहे हैं। तो जब ऑपोजिट काम करेंगे तो एक दूसरे के इफेक्ट को कम करेंगे तो नतीजतन बॉडी की जो स्पीड है वो रिड्यूस हो जाती है एंड इट फाइनली कम्स टू रेस्ट। इस एक्सेलरेशन को हम डिसेलरेशन भी कहते हैं या रिटार्डेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब जाते जाते आखिरी बात, अगर आपसे कहा जाए बॉडी में एक्सेलरेशन है, तो जब हम कहें एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब होता है जनरली पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यानी कि इंक्रीजिंग स्पीड। अगर हम कहें बॉडी के अंदर डिसेलरेशन है तो इसका मतलब है कि डिक्रीजिंग स्पीड, एक्सेलरेशन तो है लेकिन स्पीड को कम कर देने वाला। ठीक है, तो हम कहेंगे अगर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज 5 meters per second square और डिसेलरेशन की कहेंगे तो डिसेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज 5 meters per second square, तो अगेन एक्सेलरेशन इज जैसा हम कहेंगे एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज 2 meters per second square, तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू प्लस 2। और अगर कहा जाए डिसेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज 2 meters per second square, तो डिसेलरेशन का मतलब है तो ये एक्सेलरेशन ही, ऐसा सिंबल एक्सेलरेशन वाला यूज होगा, लेकिन डिसेलरेशन का मतलब नेगेटिव साइन हम अपने तौर से लगा देंगे। तो डिसेलरेशन इज 2 meters per second square का मतलब एक्सेलरेशन के हवाले से बात करें तो वो -2 meters per second square, बजाय इसके के हम डिसेलरेशन का कोई अलग से सिंबल पढ़ते या तो हमें रखना है। तो हमने कहा ये डिसेलरेशन और एक्सेलरेशन कोई अलग अलग चीजें नहीं है, ये वो वाला एक्सेलरेशन है जो स्पीड को कम कर देगा, तो है तो एक्सेलरेशन ही, तो उसको याद रखने के लिए बस हम माइनस साइन अगर है तो माइनस साइन, अगर नाम डिसेलरेशन है तो माइनस साइन लगा देंगे। ठीक है, तो अगर कहा जाए डिसेलरेशन इज 2 meters per second square, इसका मतलब है एक्सेलरेशन इज -2, डिसेलरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे तो डिसेलरेशन इज 2। ठीक है, या रिटार्डेशन इज 5 meters per second square, रिटार्डेशन का मतलब हुई ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज -5 meters per second square हो जाएगा अगर रिटार्डेशन 5 का हवा। ठीक है, तो ये थी एक्सेलरेशन की दो वैल्यूज पॉजिटिव और नेगेटिव, एक एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग वेलोसिटी यानी कि बॉडी को स्पीड अप करने के चेंज को शो करता है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन जिसको हम डिसेलरेशन या रिटार्डेशन भी कहते हैं, ये बॉडी की डिक्रीजिंग वेलोसिटी यानी कि स्लो डाउन करने को भी शो करता है। जैसे कि ब्रेक अप्लाई किए जाए बॉडी स्लो डाउन हो जाए तो आप समझ जाए उसमें एक्सेलरेशन कैसा है, ऑपोजिट सिंथ में है यानी कि बॉडी की स्पीड को कम कर रहा होगा। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दो एक तरह के एक्सेलरेशन मजीद हमने देखे। इसके साथ साथ हमने पुरानी चार टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन भी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये चारों देखे। स्पीड, वेलोसिटी, इनकी डेफिनेशंस, कंसेप्ट, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, और इनके मैथमेटिकल फॉर्मूले अलोंग विद देयर टाइप्स, ये हमने स्टडी किए। ठीक है, तो यहां हमारा खत्म होता है काइनेमेटिक्स में, काइनेमेटिक टर्म्स वाला, ठीक है, टर्म्स वाला पोर्शन, और फिर इसके कुछ फॉर्मूले वगैरह हैं वो हम देख लेंगे।
बल्कि चलो साथ साथ देख लेते हैं, अगर बॉडी, ये आपने पढ़ा हुआ भी है, अगर बॉडी की स्पीड में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आ रहा, ये टोटल चार ही फॉर्मूले लगते हैं, अगर बॉडी की स्पीड में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आ रहा तो हम उसकी जो मूवमेंट होती है वो होती है एस इक्वल्स टू वी टी, इससे शो करते हैं। ये यूनिफॉर्म मोशन की इक्वेशन होती है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कॉन्स्टेंट वेलोसिटी की इक्वेशन होती है, नो एक्सेलरेशन, ठीक है, और अगर उसमें एक्सेलरेशन है तो तीन इक्वेशंस लगती हैं जिसको हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है। तो ये चार इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से ये वाली जो इक्वेशन है ये यूनिफॉर्म मोशन को शो करती है, यानी कि नो चेंज इन वेलोसिटी, इसीलिए आप देखें इसके साथ ना इनिशियल है ना फाइनल, और ये एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन जिसमें चेंज इन वेलोसिटी होता है, ठीक है। इसी इक्वेशन में आप देखिए, अगर चेंज इन वेलोसिटी को यानी कि एक्सेलरेशन को जीरो कर दे, ठीक है, इसी इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए को जीरो कर दिया जाए, यानी कि यूनिफॉर्म बना दिया जाए, तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, क्या बन जाएगा, वी आई टी इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब इनिशियल हो कि फाइनल हो, अलग अलग नाम देने का मतलब ही नहीं है, तो ये एस इक्वल टू वी टी बन जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दरअसल यहीं से डिराइव हुई, अगर एक्सेलरेशन को खत्म कर दिया जाए, यूनिफॉर्म मोशन बना दिया जाए, तो ये टर्म पूरी खत्म हो जाएगी, एस इक्वल टू वी आई टी बन जाएगा, वी आई का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही तो मैं इनिशियल का हूं फाइनल का हूं, एक ही सिंपल दे देते हैं कंफ्यूजन से बचने के लिए, तो ये एस इक्वल टू वी टी यहां से डिराइव हो गया, ठीक है। अच्छा, अब एक और आखिरी इंपॉर्टेंट बात जो अभी याद आई वो है, एक टर्म होती है जिसे कहते हैं जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है, जो अभी हमने बात की थी, जीरो एक्सेलरेशन किन किन कंडीशंस में होती है, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ मैकेनिक्स या फिजिक्स के स्टूडेंट को ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए है, जीरो एक्सेलरेशन किन किन कंडीशंस में आ सकता है, ए इक्वल टू जीरो, ठीक है, अब मैं इसकी कंडीशंस लिख रहा हूं, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट तो एक्सेलरेशन कितना है, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे सामने, इस फॉर्मूले में जरा पुट करें, ए इज इक्वल, अगर रेस्ट में है तो इनिशियल फाइनल दोनों वेलोसिटी जीरो होंगी, वी एफ इक्वल टू वी आई इक्वल टू जीरो, क्या ख्याल है, लिहाजा ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसका आंसर क्या बन जाएगा, जीरो, ठीक है। तो पहली कंडीशन एक्सेलरेशन जीरो होने की क्या है, जब बॉडी रेस्ट में हो, वन इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, और दूसरी, इफ बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी तो क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी हो या इनिशियल वेलोसिटी, दोनों सेम ही होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, मैंने उसको V ले लिया, ठीक है। अब V ले लिया तो ये एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, Vf, जिसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, V माइनस Vi, जिसकी जगह पर भी हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन T, V से V कैंसिल, क्या वैल्यू बनी, जीरो अपॉन T, तो एक्सेलरेशन का आंसर क्या आ गया, जीरो। तो ये दो सूरतों में एक्सेलरेशन जीरो होता है, नंबर वन
जब बॉडी मूव कर रही हो कांस्टेंट वेलोसिटी से या जब बॉडी रेस्ट में हो, दोनों कंडीशंस में एक्सेलरेशन कैसा होता है? जीरो. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड एज वेल. ठीक है, सो व्हेन इज एक्सेलरेशन? जीरो इन अ बॉडी when the body is not moving at all at rest, या when the body is moving with constant velocity, neither its direction is changing nor its speed यानी के magnitude. ठीक है, what is positive acceleration? Such an acceleration in which acceleration is supporting the motion of the body and causing it to move in forward direction. What is retardation या deceleration? Acceleration which is responsible to slow a body down, अल्टीमेटली ट्राइंग टू ब्रिंग दैट बॉडी एट रेस्ट. ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं इसको ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है जो बॉडी को स्लो डाउन करता है. ये हमने पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन और पॉसिबल टू कंडीशंस या इंप्लीकेशंस ऑफ जीरो एक्सेलरेशन. नंबर वन, व्हेन द बॉडी इज नॉट मूविंग एट ऑल एंड व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद फिक्स्ड वेलोसिटी. ठीक है, तो यहां एंड होती हैं हमारी इंपॉर्टेंट काइनेमेटिक टर्म्स. वो पांच जो हमने लिखी थी, वो पांचों काइनेमेटिक्स खत्म नहीं हुई. काइनेमेटिक्स की इंपॉर्टेंट पांच टर्म्स हमारी यहां खत्म होती हैं. एक और तरह का एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. वो जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी देखेंगे तो उसके बाद हम जिक्र करेंगे. अभी हमने इन इक्वेशंस का जिक्र कर लिया, कौन सी इक्वेशन कब इस्तेमाल होती है ये देख लिया. बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये याद रखना न्यूमेरिकल्स के लिए, जब बॉडी की स्पीड चेंज ना हो रही हो तो सिर्फ एक ही इक्वेशन है s equals to vt, इसी से सब कुछ निकलेगा. इसलिए यूनिफॉर्म मोशन हमारे लिए डील करना सबसे आसान होती है क्योंकि उसमें है ही एक इक्वेशन. लेकिन अगर उसकी मूवमेंट चेंज हो रही हो, उसकी वेलोसिटी में या स्पीड में चेंज आ रहा हो, तो फिर हम क्या करते हैं उसके लिए ये एक्सेलरेटेड मोशन जिसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम कहते हैं, वो हमें इस्तेमाल करना पड़ता है. दिस मेक्स कैलकुलेशन अ बिट कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज देयर आर थ्री इक्वेशंस और फिर हमें डाटा देख के डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी वाली इन तीनों में से इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, सो फिलहाल वी कीप टिल हियर टुडे. यहां हमारी इंपॉर्टेंट काइनेमेटिक टर्म्स मुकम्मल होती हैं. आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा. कोई चीज समझ में ना आई हो, अगर आपको लगता है कि यू नीड मोर एक्सप्लेनेशन और अ बेटर एक्सप्लेनेशन, सो प्लीज लेट मी नो. कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन हो, कोई और कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी इन योर कमेंट्स. आपको मैं जरूर जवाब दूंगा इसका. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा. अस्सलामु अलैकुम. बादब बानसीब.